हिमाचल बंक स्ट्रीट में मैं हूँ सिमर बिसानी और आज डिस्कस करने वाले थर्ड चैप्टर जो कि क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का है, नाजम एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और जो पहला तीन चैप्टर है हमारा जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, थोड़ा सोशलिज्म के ऊपर और ये लास्ट वो चैप्टर का मतलब ये सीरीज का। देखिए ये क्या है ना कि किताब तीन हिस्सों में बटी हुई है, जो किताब है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है, उसका तीन मतलब फर्स्ट थ्री चैप्टर, सेकंड उसके बाद थ्री चैप्टर, उसके बाद थ्री चैप्टर सब हिस्सा बना हुआ है। तो पहला तीन चैप्टर जो वो रेवोल्यूशन के ऊपर ही है, तो ये लास्ट है उस रेवोल्यूशन का हिस्सा का। फिर आप जो डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल पीपल के ऊपर और क्या पॉलिटिक्स चल रही थी उसके ऊपर वो चैप्टर सब। तो ये उसका लास्ट हिस्सा है नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर। और इसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले, वर्ल्ड वॉर वन का क्या सिनेरियो था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या कॉज इमीडिएट था, मतलब किस वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसका पूरा रीजन यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला चीज यहाँ पे जानेंगे वो ये है कि अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि फोरग्राउंड दे दिया, ठीक है, मतलब पूरा कहानी खत्म होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या सिनेरियो था वो पहले बता दिया गया। तो मई 1945 में क्या होता है, जो जर्मन है वो एलिस को सरेंडर कर देती है। अब यहाँ पे एलिस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बात जाननी पड़ेगी कि सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ तो दो हिस्सा था, ठीक है, दो गुट में बटा हुआ था टोटल पूरा जो भी सिनेरियो है वो। यहाँ पे एक साइड थे मतलब एलिस जिसमें कि यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ग्रीस, ये सब थे, ठीक है, और एक साइड थे जर्मनी जिसको कि हम लोग एक्सिस पावर भी कहते हैं। तो जर्मनी जो था वो एक्सिस पावर का एक हिस्सा था, इसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान के, जापान जो है वो मेंबर था। अब यहाँ पे टोटली जो है ये जब एलिस जब स्टार्ट किया लड़ना जर्मनी से तो उस समय बस यूके और फ्रांस थे। 1941 में क्या होता है कि यूएसएसआर मतलब जो भी रशिया है और यूएसए इसमें ज्वाइन कर लेती है और वो लोग मिल करके एक्सिस पावर से लड़ते हैं और लास्ट में मतलब जीत जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सब हार ही रहे थे वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू दोनों में देखिएगा आप लोग कि जब तक यूएसए एंट्री नहीं मारता है कहानी में, ठीक है, इसलिए अभी तक यूएसए को वर्ल्ड पावर पूरा कहा जाता है क्योंकि जब तक यूएसए एंट्री नहीं मारता है तब तक सबका अवस्था खराब रहता है, सब हारने की सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन जैसे यूएसए एंट्री मारता है यहाँ पे सब लोग जीतने लग जाते हैं, तो उस तरह का कुछ सिनेरियो रहता है। यहाँ पे बताया गया कि प्रोपागंडा मिनिस्टर जो थे हिटलर के, जिनका नाम गोबेल्स था, और उनकी पूरी फैमिली जो सुसाइड कमिट कर लेती है बर्लिन में और पूरा यहाँ पे अवस्था खराब हो जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉर के बाद क्या होता है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है न्यूरमबर्ग में, ठीक है, ताकि जो नाजी वॉर के जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको हटाया जाए, जो कि पीस के अगेंस्ट जो वहाँ पे लड़ रहे थे तो उनको हटाया जाए, जो भी गलत काम किए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो भी किए हैं तो वो लोग को हटाया जाए, ठीक है। तो ये अंतिम का सिनेरियो है, मतलब अब पूरा कहानी खत्म हो चुका है, उसके बाद ये सब बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शैडो मतलब वर्ल्ड वॉर टू के तहत, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर क्या होता, जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जेनोसाइडल क्या होता है, जब एक लार्ज स्केल पीपल को मारा जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब उनके रेस में, उनके कास्ट में, उनका कलर के ऊपर उनको मारा जाता है, तो वो जेनोसाइडल वॉर जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ही सिक्का का दो पहलू हो गया था, वॉर और जेनोसाइड, तो दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू था। यहाँ पे क्या था कि बेसिकली सिलेक्टेड ग्रुप्स को मारा जाता था, जिसको टारगेट किया जाता था उन्हीं को मारा जाता था। यहाँ पे देखा जा सकता है कि 6 मिलियन जूस, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन यहाँ पे मरते हैं, ठीक है। जर्मन इसलिए मरते क्योंकि जर्मनी ऑफकोर्स भी लोग थे जो कि नहीं, जिनको कि हिटलर नहीं चाहते थे कि वो जर्मनी में रहे। कौन लोग, जो कि लंगड़े लूढ़े अंधे थे, जो कि जिनको कि ये बोला था कि वो लोग गलत है, ठीक है, वो लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनडिजायरेबल जो लोग हैं वो लोग को मार दिया जाता था यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक के बारे में। देखिए वीमार रिपब्लिक क्या था, आप लोगों को मैं आप थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे टोटल सिनेरियो क्या है। देखिए वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन हुआ क्यों, ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप लोग को बस एक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको मैप्स की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यहाँ पे हंगरी है। तो पहले ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी था ना वो एक ही पूरा कंट्री था जिसको कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर कहते थे। ये जो छोटा एरिया क्रोएशिया का ये भी यहीं पे आता था, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के नीचे ही आता था। यहाँ पे आप लोग को एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे सर्बिया, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री ये सर्बिया है ना, यहाँ पे क्या हुआ था कि इस कॉर्नर पे क्या हुआ था, ऑस्ट्रियो हंगरी के जो एम्पायर के राजा थे उनके बेटे ऑगस्ट फ्रांस फर्डिनेंड जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। देखिए किताब में नहीं दिया हुआ, मैं बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आए हुए थे। अब क्या होता है कि सर्बिया से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते हैं वो जाकर के इनको मार देते हैं। इनका मारने के बाद क्या होता है कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के जो लोग हैं वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर्बिया आप क्या कीजिए, अपना घुटने में टेक जाइए और मतलब माफी मांग लीजिए, ये टोटल पूरा खंडर रहता है। अब क्या होता है कि ये जो सर्बिया है वो हेल्प मांग लेती है रशिया से जो कि यहाँ पे पड़ रहा है। तो क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है वो जर्मनी से हेल्प मांग लेती है और बेसिकली ये दोनों के बीच में काफी लड़ाई चल जाता है। यहाँ पे पोलैंड का दो हिस्सा हो जाता है, काफी पूरा बहुत मतलब फलान ढिमकाना हुआ है, टोटल पूरा लड़ाई और पूरा जर्मनी जीत रहा था अंटिलनेस यहाँ पे इधर से यूके आ जाता, सॉरी यूएसए आ जाता है और फिर जर्मनी को हरा देता है। तो ये टोटल सिनेरियो था वर्ल्ड वॉर वन का। अब वर्ल्ड वॉर टू में जानेंगे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हुआ कि
देखिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या यहाँ पे टोटल चीज़ हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यूएस के एंट्री जो 1917 में हो, उसके बाद क्या हुआ कि एलिस जाती है जीत, ठीक है। तो एलिस जो है वर्ल्ड वॉर वन में एलिस इनका नाम था जो कि जीतती है, और ये जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को हटा देती है। देखिए सेंट्रल पावर जो वर्ल्ड वॉर वन था उसमें ये ग्रुप का नाम सेंट्रल पावर्स था, और वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है जर्मनी उस ग्रुप में रहती है, इसका इसका नाम वर्ल्ड वॉर टू में एक्सिस पावर्स है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि एक नेशनल असेंबली वेमार में मिलती है। वेमार क्या है, उस समय जर्मनी जो है उसका नाम चेंज करके वेमार कर दिए गए, तो वेमार में मिलती है, और वो लोग मिलकर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, बना जो कि इसका एक फेडरल स्ट्रक्चर था, ऑफकोर्स संघवाद का ढांचा जिसको कहते हैं वो था। डिप्यूटीज को सिलेक्ट किया जाता था जर्मन पार्लियामेंट में कि वो लोग, और ये डिप्यूटीज को कैसे सिलेक्ट किया जाता था, तो वोटिंग होता था, ऑफकोर्स वुमेन मैन हर कोई वोट करता था यहाँ पे, और सही तरीके से वोटिंग करके यहाँ पे बनाया जाता था। पीस ट्रीटी बना वर्सलीज में, देखिए ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू होता। देखिए पीस ट्रीटी बना वर्सलीज में, और यहाँ पे काफी हार्श और ह्यूमिलेटिंग टर्म्स रखे गए जर्मनी के लिए। जर्मनी को 1/10 अपना पॉपुलेशन खोना पड़ा, 13% टेरिटरीज मतलब 13% जो अपना लैंड है वो खोना पड़ा, 7.5% आयरन, 26% कोल उनको खोना पड़ा, कोल खोना पड़ा, फ्रांस पोलैंड डेनमार्क और लुथानिया को उनको देना पड़ा, ठीक है। जर्मनी को लास्टली क्या एलिट पावर क्या बोले कि जर्मनी को डिमिलिटराइज होना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे मिलिट्री नहीं रहेगी कोई, मतलब वहाँ पे मिलिट्री का ताकत जो वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। और वो लोग को 6 बिलियन यूरोस, ध्यान रखिएगा 6 बिलियन यूरोस को कंपनसेशन के तहत मतलब उन लोग को बोला गया कि आप लोग को देना पड़ेगा। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद थोड़ा आप लोग मैप देख लीजिए कहाँ पे ये पे है। तो ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है ये है वेमार रिपब्लिक, ठीक है। और वेमार रिपब्लिक का ये उस समय लोगो हुआ करता था, मतलब जर्मनी का कुछ इस तरह का झंडा हुआ करता था, तो ये आप लोग को पता रहेगा ये उस समय का जर्मनी है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्या पूरा आगे बढ़ गया। तो इफेक्ट्स ऑफ वॉर, देखिए वॉर से क्या क्या इफेक्ट हुआ। अब वॉर जो वर्ल्ड वॉर वन की बात की गई, तो वर्ल्ड वॉर वन से क्या हुआ कि पूरा कॉन्टिनेंट पूरा साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली काफी इफेक्टेड हुआ, ठीक है। वेमार रिपब्लिक को बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ा, मतलब उस समय का जो जर्मनी उसको बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ा, और जो बेसिकली जो जर्मनी को उस समय सपोर्ट कर रहे थे वो मोस्टली सोशलिस्ट कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स जो है वो लोग इजी टारगेट बन गए कंजर्वेटिव्स के, ठीक है। जो कि मतलब ऐसा नहीं चाहते थे, वो जर्मनी को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, और वो लोग को मारा जाने लगा, जिसको कि नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाने लगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ कि सोल्जर्स को बहुत उच्च स्थान दे दिया गया, ठीक है, यूरोप में सबसे उच्च स्थान उनको दे दिया गया। जो पॉलिटिशियंस और मीडिया उनको पूरा ग्लोरीफाई कर दिए, बोले कि जो सोल्जर्स है वो कितने मतलब महान काम किए हैं लड़कर के, जो कि जरूरत है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। और बेसिकली हुआ क्या कि एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा जो है वो बन गया सबके लिए कि हाँ भाई अगर हम लोग को लड़ना है, हम लोग को रिपब्लिक बनना है, हम लोग को आजाद होना है, तो हम लोग को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हर किसी का दिमाग में मतलब आ गया कि हम लोग को लड़ाई जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। अब थोड़ा आगे जानेंगे क्या है, तो यहाँ पे जानेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे क्या होता है, तो जो वेमार रिपब्लिक है, ठीक है, वो क्या हुआ कि एक मतलब कोइंसाइड कर गया, कैसे कोइंसाइड कर गया, देखिए एक यहाँ पे स्पार्टसिस्ट लीग आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक स्पार्टसिस्ट लीग बनी, ऐसे वेमार रिपब्लिक बना, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो भी जर्मनी है वो बना, वेमार रिपब्लिक जिसका नाम है तो वो बना, वैसे वो जो वेमार रिपब्लिक है उसके अंदर एक ग्रुप बन गया जिसका नाम है स्पार्टसिस्ट लीग, ठीक है। और वो लोग बोल्शेविक जो थे, जैसे रशिया में आप लोग देखे थे बोल्शेविक जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उसी तरह का ये भी काम कर रहे थे, क्योंकि आप लोग मतलब सेकंड चैप्टर जब पढ़ चुके तो आप लोग के लिए ईजी हो गया समझना कि बोल्शेविक लोग क्या करते थे। अब यहाँ पे क्या था कि जो स्पार्टसिस्ट वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना है, ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था वो बढ़ गया। और यहाँ पे देखा जाने लगा कि फ्रेंच जो है वो जर्मनी का एक हिस्सा था जिसका नाम था रूर, ठीक है, जो कि फ्रांस के साथ पड़ता है। देखिए मैं वो भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे रूर पड़ता है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो फ्रांस है, ठीक है, ये हिस्सा में फ्रांस है और ये हिस्सा में जर्मनी है, तो ये जर्मनी है ये फ्रांस है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा रूर का, ठीक है। तो बेसिकली फंडा ये था कि ये जो एरिया है ये फ्रांस उस समय ऑक्यूपाई कर लेता है, जर्मनी का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि फ्रांस का ये कहना रहता है, मतलब फ्रांस का ये बोलना रहता है कि नहीं हम लोग मतलब फ्रेंच जो है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि जर्मनी रिफ्यूज कर देती है गोल्ड देने में। फ्रांस का ये कहना रहता है कि आप क्योंकि वॉर में काफी यहाँ पे नुकसान किया हम लोग का, तो आप लोग अपना गोल्ड से क्या कीजिएगा उसको भरपाई कीजिएगा। जर्मनी बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फ्रांस क्या करता है क्योंकि जर्मनी के पास उसमें मिलिट्री नहीं थी, तो फ्रांस क्या करता है जो रूर का एरिया वो अपना मिलिट्री के हेल्प से ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इसके बाद जानेंगे सोशल डेमोक्रेट्स जो कैथोलिक्स थे वो लोग जो सोवियत स्टाइल का जो गवर्नर था उनको जो भी सोवियत, क्योंकि देखिए जब वेमार में जाके जो गवर्नेंस आया वो सोवियत यूएसएसआर लोग लेके आए थे, ठीक है,
तो उसको ये बोलने लगा कि नहीं ये तरह ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या कि लोग खुद वापस से मेहमान मिले और एक नया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पे बनाया गया, जो स्पार्टसिस थे ठीक है, जो कि यहाँ पे बनने बने लगे थे, तो स्पार्टसिस को का जो अपराइजिंग था उसको खत्म कर दिया गया। एक बटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था फ्री क्रॉप्स, उन फ्री कॉर्प्स उनके हेल्प से ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो कि दाम काफी ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि जर्मनी जो था वो पेपर करेंसी प्रिंट करने लगा ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस काफी ज्यादा बढ़ने लगे। लास्टली क्या होता है, अमेरिका यहाँ पे घुसता है, जो यूएसए जो कि जर्मनी को हराया था वही लास्ट में घुसता है, और जर्मनी को इतना मतलब जो भी अवस्था खराब था, जो भी उन लोग कंपनसेशन पे करना था, तो उससे उसको बाहर निकाल देता है, उसको छोड़ देता है, उसको माफ कर देता है, और एक डॉस प्लान लेके आता है जो कि वापस से जो फाइनेंशियल बर्डन है जर्मनी के ऊपर उसको हल्का करेगा, और मतलब जर्मनी की जो अवस्था वापस से उसको ठीक करेगा ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये अधिकतर बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखिए बहुत एक ऐसा समय था 1924 से लेकर 1928 तक, जब बहुत अच्छा स्टेबल सब कुछ चल रहा था ठीक है। जर्मनी छोटा छोटा लोन ले रहता था यूएसए से, और अपना जो अवस्था वो सही रहता था जर्मनी का, जर्मनी भी काफी खराब अवस्था में उस समय नहीं था। लेकिन 1929 पे क्या होता है, वॉल स्ट्रीट का जो एक्सचेंज रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना कि वॉल स्ट्रीट जो, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, हम लोग देखते होंगे टीवी में बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है, जो नंबर चलते रहता है बिल्डिंग के ऊपर, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट ठीक है, वो पूरा गिर जाता है। गिर क्यों जाता है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, देखो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग पूरा इस वीडियो में, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक रीजन था ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट का एक गलती की वजह से क्या था, वॉल स्ट्रीट का जो यहाँ पे वॉल स्ट्रीट के ऊपर धंधा रहता है, जो स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट रहता है, वो पूरा गिर जाता है ठीक है, और पूरी तरह से जो इकोनॉमी रहता है अमेरिका का वो ठप हो जाता है ठीक है, पूरा अवस्था खराब हो जाता है। उस इकोनॉमी से उसको रिकवर करने के लिए फिर भी 10 साल लग जाते हैं, इतना ज्यादा समय लग जाता है, इतना ज्यादा इकोनॉमिकली खराब सिचुएशन रहता है। अब क्या होता है कि इस वजह से जर्मनी को जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसका टोटल नाम है, अगर आप लोगों को ज्यादा जानने का मन करे तो आप लोग विकिपीडिया में देख सकते हो, उसके बारे में अच्छा खासा कुछ दिया हुआ है। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो स्टार्ट हो जाता है 1932 तक, क्या होने लगता है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जो कि 100% चल रहा था वो घट करके 40% हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना जॉब छोड़ देते हैं, और अनएम्प्लॉयड का जो वर्कर्स है उसका अकाउंट 6 मिलियन हो जाता है, मतलब 60 लाख लोग यहाँ पे जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब इतना ज़्यादा खराब सिचुएशन हो गया, इतना ज़्यादा डर बैठा दिया इकोनॉमिक क्राइसिस हर इंसान के अंदर, कि मिडिल क्लास जिनको सैलरी मिलता था, पेंशनर्स, बिजनेसमैन, रिटेलर्स, वो लोग देखने लगे कि हम लोग का जो अवस्था है, वो हम लोग का जो अर्निंग है वो पूरा खराब होने वाला है। ये जो लोग हैं इनको ऐसा डर लगा कि अब हम लोग को वापस से काम करना पड़ेगा, अब लोग वापस वर्कर क्लास में आ जाएंगे ठीक है, जो कि अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया था, अब लोग वापस से वर्कर क्लास में आने का डर लगने लगा। इसके अलावा एक डिफेक्ट था, वो था आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 ऐसे ही ये डिफेक्ट था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे था कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास ही पावर था कि वो इमरजेंसी लगा सके, और सिविल राइट्स जो है वो रूल ऑफ डिग्री के द्वारा वो हटा सके। देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके तहत जो लॉ है उसको सब कुछ मानना पड़ता है, तो वो डिग्री रूल ऑफ डिग्री के द्वारा वो सस्पेंड कर सके ठीक है। और छोटा समय में देखिएगा वीमार रिपब्लिक जो था वो छोटा समय के लिए बना था, क्योंकि उसके बाद फिर क्या हुआ कि नाजी पावर में आ गए और फिर वो लोग अटैक कर दिए, तो वो वापस जर्मनी बन चुका। तो ये जो वीमार रिपब्लिक था वो 20 डिफरेंट कैबिनेट्स देखा जो कि 239 डेज तक चले, और एक लिबरल यूज देखा आर्टिकल 48 का ठीक है। और यहाँ पे बोला कि इसके अलावा देखिएगा जो क्राइसिस था उसको मैनेज नहीं किया जा सका लास्टली, और पीपल क्या था कि वो कॉन्फिडेंस खो चुके थे, जो भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लोग यहाँ पे खो चुके थे ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे कि हिटलर कैसे पावर पे आते हैं। तो हिटलर राइज टू पावर लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था कि एडोल्फ हिटलर जो है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए ठीक है, ऑस्ट्रिया में ये बॉर्न थे। वर्ल्ड वॉर वन में वो आर्मी में घुसे और वो मैसेंजर की तरह काम करने लगे ठीक है। वो धीरे धीरे क्या करते काम करते करते कॉर्पोरल बन गए। 1919 में क्या था कि एक छोटे से ग्रुप को ज्वाइन किया जिसको कि जर्मन स्वागत पार्टी कहा जाता था। वो क्या किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर लिए और उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर रखी, जिसको कि लास्ट में नाजी पार्टी का नाम दे दिया गया ठीक है। हिटलर ने ये प्लान किया कि वो जो बवारिया है ठीक है, एक जगह है उसका कंट्रोल ले लेंगे अपने अंदर, बर्लिन तक जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे कि जो अपना पावर है बर्लिन, मतलब वहाँ का जो कैपिटल है, जर्मनी का जो कैपिटल है, फिर से मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये रहा बर्लिन ठीक है, ये जर्मनी का कैपिटल है, तो ये बर्लिन तक वो पहुंचेंगे और बर्लिन को क्या करेंगे पूरा कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं सका। यहाँ पे होता ही है
वो फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि 1929 के बाद क्या होता है कि बैंक पूरा कोलैप्स कर जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं और मिडिल क्लास काफी डर जाती है। ठीक है, 1929 में क्या था कि जो नाजी पार्टी है उसको 2.6% वोट मिलती है, जो भी रजिस्टैंग जर्मनी रजिस्टैंग जर्मन पार्लियामेंट है, या फिर यू कहूँ कि जो जर्मनी का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 2.6% वोट मिलती है, बहुत कम वोट मिलती है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे बिजनेस ठप हो जाता है, हर कोई डर जाता है, तो क्या होता है पार्लियामेंट पे जैसे उनका भरोसा उठता है, यहाँ पे देखती है कि नई पार्टी आ रही नाजी पार्टी, जो कि कहती है कि हम लोग जर्मनी को वापस उसका ओहदा दिला देंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जर्मनी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है जिसको 3.7% वोट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब इसके बाद जानेंगे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो उस समय के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। ठीक है, ये यहाँ इनका फोटो दिया हुआ है प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का। तो वो कहते हैं वो चांसलरशिप ऑर्डर की किसको, यहाँ पे हिटलर को वो चांसलरशिप ऑर्डर की। चांसलरशिप क्या होता है, सबसे उच्च पोजिशन होता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री। देखिए हम लोग के पास कितना सारे कैबिनेट है। ठीक है, एक होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब जो जर्मनी की बात की जा रही है वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ये सबसे ऊपर भी इनका एक हेड होता है। ठीक है, चांसलर जिसको कहा जाता है। तो वो चांसलर का जो पद रहता है वो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो वो हिटलर को यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ बैठ करके वो डेमोक्रेटिक का जो रूल है उसको तोड़ने लगते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को हटाने लगते हैं। पहला डिग्री आता है, मतलब पहला लॉ ऑर्डर आता है 1933 में, जो कि सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सब जो है वो नहीं रहेगी अब, जो कि पहले वीमार का जो जब वीमार रिपब्लिक बना था तो ये सब प्रॉमिस किया गया था, तो वो चीज़ अब नहीं थी। ठीक है, फिर 1993 के अंतिम में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एनेबलिंग एक्ट आया जिसको कि जो कि लास्टली क्या होता है कि जर्मनी को डिक्टेटरशिप बना देता है। मतलब क्या था कि हिटलर वहाँ के राजा बन जाते हैं। अब हिटलर को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया, पार्लियामेंट को पूरा साइड किया कर दिया गया डिग्री की हेल्प से, मतलब वो भी जो भी रूल ऑफ ऑर्डर था उसकी हेल्प से पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया, बस नाजी पार्टी ही यहाँ पे पावर में रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि स्टेट जो है उसको पूरा कंप्लीट कंट्रोल बोल दिया कि आप इकोनॉमी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, आर्मी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, मिलिट्री जुडिशरी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। तो इस तरह का जो चीज़ है वो कर दिया गया। अब इसके बाद बात करें कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तोड़ा गया था, यहाँ पे काफी अवस्था खराब हो गया था। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन किया गया, हिटलर ने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इकोनॉमिक रिकवरी की। मतलब हम लोग का जो अवस्था खराब हो चुका है, इतना सालों से हम लोग यहाँ पे पैसा पे कर रहे हैं, उसका जो अवस्था खराब है उनका उसको आपको सही करना है। ठीक है, तो इसका जो काम था वो दिया गया हजलमर स्टार्ट को। ठीक है, जो एक नाम है ये, मतलब एक जो भी इकोनॉमिस्ट थे तो उनको दिया गया ये काम। उनको बोला कि आप फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जो भी स्टेट फंडेड, मतलब हम लोग पैसा देंगे और आपको वर्क यहाँ पे जनरेट करना, काम जनरेट करना, जो कि लोग करेंगे फिर वहाँ से पैसे जो है वो कमाएंगे। ठीक है, वो लीग ऑफ नेशंस, जो कि देखिए अभी क्या है ना, अभी आप लोग, अभी जो हम लोग है यूनेस्को आप लोगों ने सुना होगा, फिर यूनाइटेड नेशंस आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब यूनाइटेड नेशंस है, वो क्या अभी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो मिल करके यहाँ पे योगदान देते हैं और पीस मेंटेन करने का काम करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। ठीक है, जब वो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया तो फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो यहाँ पे जब लीग ऑफ नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो उससे जर्मनी अपने हाथ, फिर यू बोले जो वीमार रिपब्लिक है वो अपना हाथ पीछे ले लेता 1933 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपना जो राइनलैंड का एरिया, ठीक है, राइनलैंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे पेरिस है, देखिए यहाँ पे फ्रांस, मतलब ये जर्मनी है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया था राइनलैंड का। ठीक है, यहाँ पे ये बात था कि जर्मनी को यहाँ पे कभी भी अपना मिलिट्री जो है वो यहाँ पे नहीं भेजना, इस बॉर्डर में कभी भी जर्मनी की मिलिट्री नहीं आएगी। लेकिन ये जो बात है वो हटा देते, छोड़ देते हिटलर, बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और हिटलर क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो मिलिट्री है वो भेजते हैं और वापस राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वापस से इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर देते हैं। देखिए मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये हिल गया। तो हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जर्मनी है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रिया। तो देखिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो कितना आपस में मिला जुला है, ये देखिए बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं। मतलब एक ही तरह के, एक ही ट्राइब के मैं बोल सकता हूँ, या फिर एक ही तरह के लोग हैं दोनों में। तो हिटलर का यही कहना था कि जब दो सेम तरह के लोग हैं तो वो बेसिकली वो सेम तरह के, मतलब उनका एम्पायर होना चाहिए, सेम एम्पायर होना चाहिए। तो वो एक स्लोगन लाया पे, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का एक स्लोगन है 1938 में। और वापस से कोशिश करने लगा कि यहाँ दोनों जो कंट्री है वो साथ में हो जाए, और दोनों कंट्री लास्टली साथ में हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे कि बाद में क्या होता है। हिटलर जो थे वो बेसिकली देखे कि हम लोग को वॉर करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा था अगर हम लोग को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को जमा करना पड़ेगा। रिसोर्सेज आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तो रिसोर्सेज जमा करना पड़ेगा। और ये कैसे जमा होगा, अगर हम लोग टेरिटरीज है उसको एक्सपैंड करेंगे। 1939 में क्या होता है, जर्मनी क्या करती है, पोलैंड को इन्वेड करती है, मतलब पोलैंड के अंदर घुसती है। आप लोग का दिमाग क्लैरिटी के लिए और देख लेते, जर्मनी जो वो पोलैंड के अंदर घुसती है। ठीक है, जो फ्रांस है
सॉरी जो रशिया है वो यहाँ पे, ठीक है, ये जगह मस्काव देख सकते हैं, रशिया कैपिटल, तो ये रशिया, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो पोलैंड में घुसती है, और यहाँ पे थोड़ा और कंट्री को ध्यान में रखिएगा, आसपास में क्या क्या कंट्रीज है, तो वो घुसती है पोलैंड में और बेसिकली वो वॉर कर देती है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ स्टार्ट, ठीक है। तो जो उनका लेफ्ट साइड था वो वहाँ पे फ्रांस के साथ लड़ रही थी, यहाँ पे पोलैंड में इन्वेड कर दी थी, इंग्लैंड के साथ लड़ रही थी, काफी अच्छा यहाँ पे मतलब वो अवस्था, यहाँ पे मतलब काफी अवस्था टाइट करके रखी थी यहाँ पे। अब एक ट्राइपार्टाइट एक्ट आता है, ट्राइपार्टाइट एक्ट आता है, जो कि जर्मनी, इटली और जापान के बीच में साइन इन होता है 1940 में। हिटलर क्या करते हैं, सोवियत यूनियन को अटैक करते हैं, जो या फिर यू कहूँ कि जो रशिया है उसको अटैक करते हैं जून 1941 को। और उसी समय क्या होता है कि यूएसए बोलता है कि नहीं भाई हम लोग वॉर में नहीं घुसेंगे, क्यों बार बार वॉर में घुसना, और क्यों हम लोग का खुद का पैसा बर्बाद करना, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तो हम लोग वॉर में नहीं घुसेंगे, यूएसए का ऐसा कहना रहता है, ठीक है। जापान क्या करता है, अपना सपोर्ट बढ़ाता है हिटलर को, बोलता है कि नहीं हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जापान आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत उनका खानदानी दोस्ती था, ऐसा कुछ नहीं है। जापान को भी वही चाहिए था जो जो बेसिकली हिटलर को चाहिए था, तो इसलिए दोनों साथ में मिल जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, साथ में आते हैं। और क्या होता है, गलती से जापान क्या करती है, वो यूएस के जो यूएस बेस्ड एक पर्ल हार्बर था वहां पे क्या करती है, बॉम्ब गिरा देती है। इससे गुस्सा होकर क्या करती है, यूएस भी वर्ल्ड वॉर टू में एंटर कर जाती है। मई 1945 में क्या होता है, हिटलर को हरा दिया जाता है, यूएस एक बॉम्ब गिराती है हिरोशिमा में, ठीक है। पहले हिरोशिमा में गिराता है 6 अगस्त को, फिर नागासाकी में गिराया आता जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये सब बॉम्ब गिरता है और बेसिकली क्या होता है, जो वॉर है वो हो जाती है खत्म, ठीक है। तो ये टोटल सिनेरियो था वॉर कैसे खत्म होती है। अब इसके बाद पूरा वर्ल्ड में क्या मतलब वर्ल्ड व्यू क्या था, नाजी का पूरा वर्ल्ड व्यू क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो नाजी आइडियोलॉजी के तहत यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई पीपल के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उनका ये कहना था कि एक रेशियल हायरार्की होना चाहिए, रेशियल मतलब भेदभाव, ठीक है, उनके जात पे, उनके रंग पे, उनके रहन सहन के ढंग पे, उनके खून पे, उनका भेदभाव, ठीक है। तो भेदभाव का हायरार्की यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे है, नीचे, ठीक है। हिटलर जो अपने रेसिज्म कहाँ से बोरो किए थे, तो यहाँ पे देखिएगा चार्ल्स डार्विन, वही चार्ल्स डार्विन जो कि एक बहुत बड़े मतलब एक साइंटिस्ट हैं, जो जिन्होंने ये बताया कि हर किसी का ओरिजिन ओरिजिन जो है वो सेम जगह से है, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो दोनों से अपना जो रेसिज्म उसको बोरो किए, ये दोनों जो साइंटिस्ट उनका ये कहना था, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ये हर एक जीन से सबसे ऊपर में, ठीक है, मतलब इन ये जो है वो सबसे एक टॉप क्लास का इंसान जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन लोगों का कहना था, और इसी वजह से क्या था कि रेसिज्म आ गया हिटलर के अंदर। ये उनका ये कहना था कि जो भी कलर पीपल है, ठीक है, और जो भी जितने भी कलर पीपल हैं वो मिडिल में पढ़ते हैं, और जो ज्यूज हैं वो सबसे खराब किस्म के लोग हैं, वो सबसे नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट था हिटलर का आइडियोलॉजी का, जो कि जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर था, लेवेंसॉरम को लेकर, ठीक है, या फिर लिविंग स्पेस को लेकर के। उनका ये कहना था कि अगर हम लोग टेरिटरीज मतलब एक्वायर करेंगे, हम लोग ऑक्यूपाई करेंगे, तभी हम लोग अपना जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, नॉर्डिक मतलब बिलोंगिंग टू द नॉर्थ, ठीक है, तो जर्मनी का जो नॉर्थ का एरिया है उसका जो आर्यंस है उसका जो पहुंच है वो बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा नाजी वर्ल्ड व्यू। इसके बाद बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट के बारे में, तो रेशियल स्टेट कैसे एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। नाजी जो है वो क्या करते हैं, अपने ड्रीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी कम्युनिटी प्योर जर्मन का जो पूरा कम्युनिटी बनाने का उनका ड्रीम्स को क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अनडिजायरेबल लोग को हटाने लगते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनको हटाएंगे, कहाँ से, जो एक्सटेंडेड एम्पायर है वो एम्पायर जो कि वो लोग ऑक्यूपाई किए वहाँ से लोग को हटाएंगे, ठीक है। ज्यूज, रशियन, पोल्स मतलब पोलैंड वाले, ये सबको मारा जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जर्मनी को ऑक्यूपाई किया जाता है, सॉरी जर्मनी जो वो पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लेती है और रशिया के भी बहुत सारे पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लेती है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको पकड़ करके उनको स्लेव की तरह काम करने लगते हैं। ज्यूज हैं उनको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, मतलब उनको ज्यूज को ये बोला जाता है कि ज्यूज जो है वो क्रिस्ट को मारे थे, ठीक है, क्रिस्ट का जो मरने का कारण है वो ज्यूज थे, और वो मतलब बहुत खराब किस्म के लोग होते हैं, वो लोग को बोला गया ज्यूज, जो कि मतलब देखिए अगर आप कहीं पर जाके ऑक्यूपाई करते हो, ठीक है, मान के चलते, ठीक है, एक बार आप वापस मैं अपने आपको लेके चलता हूँ, जर्मनी जो है वो सपोज के पोलैंड जाती है, ठीक है, तो पोलैंड में वो लोग जो ज्यूज को पकड़ी है, देखिए जर्मनी में तो हर कोई जर्मनी था, लेकिन पोलैंड में जो वो जो ज्यूज को पकड़ी है वहां पे वो लोग क्या करते थे, ज्यूज को ये बोलते थे कि आप लोग जो थे आप लोग के वैसे जो जीसस क्राइस्ट थे वो मरे हैं और आप लोग जो वो गलत किस्म के लोग हैं, तो क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे आते हैं लोगों को पकड़ते हैं, उनको स्लेव बना लेते हैं, इसके अलावा वो लोग को मारना वारना भी चालू कर देते हैं, और उनको क्या करते हैं कि जो लैंड ओनरशिप था उनका राइट उनसे छीन लेते कि आप लोग लैंड ओनरशिप नहीं कर सकते,
यहाँ पे ये था, ठीक है। और इसके अलावा उन लोग को कैप्चर करते स्लेव लेबर में, यह सब तो मैंने बात कर ही दी है, ठीक है। वो उनको भगा भी दिया जाता था उनके खुद के लैंड से कि आप लोग भाग भाग जाइए, भगा दिया जाता था। 1933 से 1938 तक क्या क्या किया गया था कि जूस को बोला गया कि आप लोग अपना कंट्री किसी भी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। पूरा उनको डरा धमका करके हटा करके उनको कंट्री उनका जो जो है वो छुड़वा दिया जाता है। यहाँ पे रेशियल यूटोपिया देखेंगे क्या, यहाँ पे रेसिज्म किया गया था। तो नाजीज को ये समझ में आया कि वो लोग मर्डर है, ठीक है, जो जिनोसाइड और वॉर है वो एक ही चीज वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो पोलैंड को जो ऑक्यूपाई किया था उसको ऑक्यूपाइड को डिवाइड कर दिया था, दो हिस्सों में बांट दिया था। जो जनरल गवर्नमेंट था वो लास्ट उम्मीद बन जाती है हर इनडिजायरेबल के लिए, ठीक है। कैसे उम्मीद बन जाती है, अगर वो सरकार के पास जाते हैं तो वो लोग क्या किया जाए, वो लोग को भगाया जाएगा। अगर वो लोग नॉर्मली बाहर रहते तो वो लोग को मार दिया जाएगा। तो एक तरह से जनरल गवर्नमेंट जो थी वो एक डेस्टिनेशन बन जाती है हर अनडिजायरेबल के लिए। और ये क्या था, ये क्या था, जो जनरल गवर्नमेंट है वो एक तरह से किलिंग फील्ड की तरह भी सर्व कर रही थी कि ज्यूज को वहाँ पे अगर ज्यूज वहाँ पहुंच गए तो उनको मार देना है। तो इस तरह का रेशियल यूटोपिया यहाँ पे चला। अब यहाँ पे देखिएगा यूथ का क्या काम था नाजी जर्मनी में। तो हिटलर को ये बहुत ज्यादा लगता था कि अगर सोसाइटी को सही करना है, ठीक है, तो हम लोग को जो चिल्ड्रन है उनको नाजी की आइडियोलॉजी जो है वो सिखानी पड़ेगी। तो स्कूल को क्लेज कर दिया गया। कैसे किया गया, जो भी ज्यूज यहाँ पे टीचर थे उनको ऐसे हटा दिया गया। अनडिसेबल चिल्ड्रन जैसे कि ज्यूज हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हो गया, जिप्सीज हो गया, मतलब जो कि और भी दूसरे तरह के लोग होते हैं, तो उनको स्कूल से यहाँ पे निकाल दिया गया। और 1940s में फाइनली क्या होता है, वो लोग जो भी जिनको भी यहाँ स्कूल से निकाला जाता है उनको गैस चैम्बर लेके गया गया और वहाँ पे उनको मार दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि रेशियल साइंस सिखाई गई, बोला गया कि नाजी के जो आइडियाज है उनको जस्टिफाई किया गया, बोला गया कि नाजी के जो आइडियाज है वो सही है। और यहाँ पे बच्चों को सिखाने का काम यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। चिल्ड्रंस को ये बोला कि आप लोग ज्यूस से हेट कीजिए, ठीक है, हेटेड पैदा कीजिए, और हिटलर को पूजिए, हिटलर से मतलब हिटलर को यहाँ पे भगवान मानिए। 10 ईयर ओल्ड को जो था वो लोग को जंक वॉल भेजा था, ठीक है। जंक वॉल कहते हैं एक तरह का ट्रेनिंग स्कूल बोला जा सकता है। ये देखिए जंक वॉल का एक फोटो है, ठीक है, यहाँ पे वो जो फ्लैग वो जंक वॉल का ही है। जंक वॉल भेजा जाता था 14 साल की एज में, क्या गया था कि हर जितना भी बॉयज है उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था। जब जैसे ट्रेनिंग खत्म हो गया उनका नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद क्या क्या करना था कि उनको लेबर साइंस को ज्वाइन करना था, और लास्ट में क्या करना था कि उनको आर्म्ड फोर्सेस मतलब जो आर्मी है उसमें जाके सर्व करना था, ठीक है। काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी यहाँ पे एक टेक्निक लेकर के चल रहे थे हिटलर, जो कि वो अपने लिए समझ रहे थे कि बहुत सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि चिल्ड्रंस को ये बोला गया गया कि जो मेन है और वुमेन जो मेन जो है वो अलग है, ठीक है, और मेन और वुमेन का जो इक्वल राइट है उसके लड़ना बेवकूफ़ी यहाँ पे गलत है, और इससे सोसाइटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बॉयज़ को ये बोला गया कि आप लोग एग्रेसिव बनिए, मस्कुलिन बनिए, स्टील हार्टेड बनिए, यहाँ पे आप लोग बोलते ना उस तरह का बनिए। और बेसिकली बोला गया कि जो वुमेन है उनको बोला गया कि आप लोग अच्छी माएँ बनिए, और जो बच्चा आप लोग पैदा कीजिए वो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चा जो है वो होना चाहिए। 1933 में क्या हुआ कि वो वुमेन जो कि अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को पैदा की उन लोगों को पनिश किया गया, और वो वुमेन जो कि अच्छे अच्छे चिल्ड्रंस को यहाँ पे पैदा किए तो वो लोग को अवार्ड दिया गया, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज दिए गए। यहाँ पे ये बोला गया कि हर जो भी आर्यन वुमेन्स है वो जो भी आर्यन वुमेन यहाँ पे डिविएट करती थी कोड ऑफ कंडक्ट को, मतलब वो रूल्स और लॉज जो कि यहाँ पे हिटलर लेके आए थे उसको जो भी डिविएट करती थी उनको कंडेम किया जाता था, मतलब उनको गलत साबित किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, ठीक है। तो ये पूरा था। अब इसके बाद जानेंगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बारे में। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा यहाँ पे क्या था, तो नाजी जो है वो कभी भी किल या मर्डर टाइप के वर्ड यूजेज जो है वो नहीं करते थे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। वो लोग क्या यूज करते थे, जैसे बहुत लोग को मारना था वो लोग क्या यूज करते थे, वो लोग स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन जो कि ज्यूज के लिए यूज किया था, एथुनाजिया जो कि डिसेबल्ड के लिए यूज किया था। तो ये दो वर्ड है जो कि वो लोग यूज करते थे जब भी उनको किसी को मारना रहता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इवैक्यूएशन एक ऐसा वर्ड है, जब भी लोगों को गैस चैम्बर से भेजा जाता था तो उनको इवैक्यूएशन जो है वो वर्ड यूज किया जाता था। अब यहाँ पे क्या था कि नाजी आइडियोलॉजी जो है वो पूरा दुनिया में फैलने लगा, हर जगह यहाँ पे फैलने लगा, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से। पीपल ये बिलीव करने लगे कि जो नाजिज्म है वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा बहुत, मतलब जर्मन्स के लिए। और बहुत लोग ये भी बोलने कि नहीं यार नाजिज्म गलत है, और यहाँ पे गलत डिप्रेशन और डेथ यहाँ पर लेकर के आ रहा नाजिज्म। तो अपना अपना सबका यहाँ पे देखने का तरीका होने लगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर है ये जो फोटो है ये एक किताब की फोटो है, ठीक है। ये किताब जो है वो द फेट ऑफ ज्यूज यहाँ पे देखेंगे, तो ये डेविड सेजारनी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत अच्छे किताब फाइनल सॉल्यूशन, जो कि वो लिखेंगे कि किस तरह से मतलब यहाँ पे लोगों को मारा गया यहाँ पे, वो उसका पूरा डिटेल्स है यहाँ पे। अब ये लास्ट स्लाइड आज का नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा नॉलेज है, देखिए वॉर जब खत्म हो गया, ठीक है, तो नाजी प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे जर्मनी से बाहर बह गया, ठीक है। जर्मनी में कोई वो देखा नहीं गया था, ठीक है। जर्मनी हार गया, यहाँ पे क्या हुआ कि वर्ल्ड जो है वो जानने लगा कि भाई जर्मनी में कैसा हॉरर्स था, किस तरह का गलत काम किया गया ज्यूज और अनडिजायरेबल्स के द्वारा। यहाँ ज्यूज जो थे वो ये हमेशा हमेशा चाहते थे कि जो
उनके साथ हुआ वो हर किसी को पता रहेगा कि कैसे किया गया, नाजी क्या किए गलत गलत तरीके से, वो लोग हॉलोकास्ट का जो ऑपरेशन था जिसके तहत वो हर किसी को मारे तो वो ऑपरेशन किस तरह से काम करता था, ठीक है। जब वॉर खत्म होने लगा था ना तो जो नाजी की जो लीडरशिप है वो क्या किए कि फ्री में पेट्रोल बटाएं हर जगह, जो भी फंक्शनरीज है वहाँ पे पेट्रोल बटाएं। क्यों बटाएं? ताकि जितने भी एविडेंसेज ऑफिस में अवेलेबल कि कितना लोग को मारा गया, क्या किया गया, क्या क्या चीज़ किया गया, तो वो लोग के मतलब वो जो है वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा दुनिया को पता नहीं चले कि जर्मन जो थे वो लास्टली क्या किए थे। तो इसके साथ आज का ये वीडियो दोस्तों वो जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।